नेक्स्ट सेशन जो है वो बहुत बड़ा सेशन है इसको सुपर हिट मुकाबला सुपर हिट पैनल भी कह सकते हैं क्योंकि हमेशा शो पीस इवेंट जो है वो इंडिया पाकिस्तान ही होता है और सलाम क्रिकेट में हम उस मुकाबले का एक एक पल पहले से और मैच के बाद भी जीते हैं तो एक एक कर मैं बुलाता हूँ अपने खास मेहमान हमारे साथ शुरुआत करते हैं सनी भाई द ग्रेट सुनील गावस्कर से तालियों में वैसे गर्मजोशी कम दिख रही है थोड़ी साथ तीन वर्ल्ड कप्स में भारत की कप्तानी करने वाले मोहम्मद अज़रुद्दीन, अजहर भाई और गर्म जोशी से स्वागत कीजिए द ग्रेट वसीम अक्रम का 1992 वर्ल्ड कप चैंपियन बज्जी टू टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन 2007 वर्ल्ड टी20 अच्छा मुझे लगा आप भी हैं तो फिर हमारे 2011 के स्टार प्लेयर वर्ल्ड कप चैंपियन सुरेश रैना जो अभी-अभी एक और आईपीएल जीत करा रहे हैं तो टूर्नामेंट जीतने का तरीका क्या है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता और साथ ही साथ हमारे स्टार रावलपिंडी एक्सप्रेस शोब अख्तर मैं भी आ जाता हूं वसीम भाई कैसा लग रहा पीछे है ना टीवी पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ये सलाम क्रिकेट के लिए स्पेशल आई नो मैं तीन दिन से पहले आ गया था ना तो तब तो लाइटें ऑफ थी आज ही ऑन हुई हैं देखिए आज सलाम क्रिकेट ऑन लाइट्स ऑन एक्जेक्टली सनी भाई बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया <laughs> <laughs> चेन्नई के कपड़े में हैं। और चेन्नई के चैंपियन है श्रेष सलाम क्रिकेट आ, के बारे में दो लव्स नहीं जैसे सुबह से आ, शाम से कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत जगह है और सब लोग इधर काफी इतने बड़े-बड़े लेजेंड ऑफ द गेम बैठे हैं और बड़ी अच्छी बातचीत करेंगे और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा सबको बाय द वे जितना इंतजाम है उस सब अजहर भाई ने किया है। तो आप ही हमारे होस्ट होते हैं ये कब से हो गया ये तो हमेशा ऐसे ही होता है अच्छा, तो मुझे पता ही नहीं फिर कोई करा होगा <laughs> मैंने सुना है कि आपने भी कहा है और पाकिस्तान में ये एक सेंटीमेंट है जी इंडिया के मैच में जो मर्जी हो जाए न्यूजीलैंड को हराना है हक बहुत गर्मी हमें उन पर मिडल ऑफ नो छोड़ के चलाइए हमें ओवर वॉट जस्ट ए मेल वो भी पता नहीं फेक ग्राउंड से आई थी uh, देखो यार हम एक सिचुएशन में फंसे एज ए नेशन वी विबिन अ स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट फोर्टी ईयर्स आपके साथ मसले मसाइल चलते रहे हैं. हम बड़े डिमोरलाइज हो गए सारी सिचुएशन के साथ हमारे यहाँ क्रिकेट टीमें नहीं आ रही हमारे बच्चे देख नहीं पा रहे थे अभी शुरू हुआ था कि जहाँ से हम पिकअप करते इतना बड़ा ये स्यापा हमारे सर पड़ गया तो हम हमें बहुत तकलीफ भी है इसका दुख भी है और गुस्सा भी है uh, हमारे लिए वर्ल्ड कप एक uh, मौका बन के आया है कि जिसकी वजह से हमारी एक यंगर जनरेशन क्रिकेट स्टार्ट करेगी अगर व्यू एबल टू तो बीट इंडिया इट इज़ गोना हेल्प द यंगर जनरेशन जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट क्रिकेट प्लेंग वॉन्ट्स टू बी अ सनी भाई ग्रेट सनी भाई वसीम भाई अजू भाई सुरेश राणा इज अ ग्रेट क्रिकेटर जब अ ग्रेट क्रिकेटर वो मौका हमें चाहिए वो मौका हमें पंद्रह बीस साल से मिल नहीं रहा ये बहुत नुकसान है हमारी क्रिकेट का और हमें नुकसान हो रहा है एज अ कंट्री नुकसान हो रहा है बच्चों का नुकसान हो रहा है और वर्ल्ड क्रिकेट सफ़र कर रही है इससे सो so, इस वक्त सेंटिमेंट बहुत हाई हैं सो आई वुड लव आई वुड लव टू पाकिस्तान टू यू नो टू रन थ्रू और uh, पूरी बैक कर रहे हैं हम पूरी पाकिस्तान टीम को और पूरी दुनिया में ये सेंटिमेंट तो है कि यार पाकिस्तान के साथ जाती हुई है अब ये चाहता हूँ कि यार यहाँ पर अच्छी क्रिकेट खेले पाकिस्तान ने सिलेक्शन अपनी ठीक कर ली फाइनली जो चार लड़के उन्होंने नहीं रखे एक मेरी मर्जी का अभी भी नहीं रखा शर्जील अगर वो भी आ जाता तो हमारी फॉर्मेटेबल बैटिंग लाइनअप बन जाती और हम शायद अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान विल बी एबल टू तो बीट मेनी टीम्स इन दिस टूर्नामेंट उसी भाई ये आ, सेंटिमेंटल होना इतना इमोशनल हो जाना वर्ल्ड कप से पहले कि न्यूजीलैंड को हराना है कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो जाता टीम के लिए आई सपोज मैं तो था नहीं पाकिस्तान में बट ऑबियसली अवज़ फॉलोइंग पाकिस्तान क्रिकेट क्या हो रहा था किस तरीके से जिस तरीके से वो टूर कैंसिल हुआ है द लास्ट मिनट पाँच दिन वो प्रैक्टिस पे गए हैं उसी सिक्योरिटी के साथ खैर जो हो गया जो हो गया बाईग बाय गॉन्स वी हैव टू मूव मूव ऑन नाउ एंड आई थिंक प्लेयरों को इतना कोई प्रेजेंट वर्ल्ड कप ज़्यादा फ़ोकस होंगे वो मैचेस पर ज़्यादा फोकस होंगे वो जो नुकसान होना था वो तो हो गया पाकिस्तान का और बाकी जहाँ तक पाकिस्तान टीम की बैटिंग का ताल्लुक है जो हमारे अब फ़खर जमान अच्छी निक में है बट वो ओपनर है वो पाकिस्तान नंबर चार पाँच पे खेलता है तो अब रिजवान और बाबर स्कोर कर रहे हैं और ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं सो so, वहाँ इनको प्रॉब्लम होगी मिडिल ऑर्डर में किसको खिलाएंगे फखर को खिलाएंगे आसिफ़ को खिलाएंगे प्लेइंग एलेवन में तो वहाँ पे जो स्पिनर जिनके अच्छे होंगे आई सपोज एवेंचुअली वो टीमें यहाँ पे अच्छा करेंगी और देन अगेन द ड्यू फैक्टर वो भी देखना है कि ड्यू कितनी पड़ती है अगर जब जिस दिन ब्रीज या क्लाउडी होता है यहाँ पर क्लाउडी तो यूजली जनवरी फेबररी में होता है तो ड्यू नहीं पड़ती जिस दिन हवा नहीं होती उस दिन ड्यू ज़्यादा पड़ती है तो टीमों को सारी चीज़ें जेन में रखनी पड़ेंगी सुश चूंकि आप टी ट्वेंटी इतना खेले हैं और टी ट्वेंटी मिस्टर टी ट्वेंटी कहते हैं आपको टी ट्वेंटी लॉटरी हो जाती है या टी ट्वेंटी में स्किल तजुर्बा ज़्यादा काम करता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कभी इंडिया हारा नहीं आप ऐसे कितने मुकाबले खेले हैं लेकिन टी ट्वेंटी थोड़ा सा डराता है कभी कभी नहीं इंटेंट तो आपको वही रखना पड़ेगा वही सेम प्रोसेस है वो बट कैसे आप प्रेशर हैंडल करते हो वो बड़ा मैटर करता है वो जैसे वैसे मैंने बहुत अच्छी बात बोली कि यहाँ पे ड्यू फैक्टर होगा बट यहाँ पे स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलेगी इधर कि हमने शारजा में भी देखा फिर अबू धाबी और दुबई का विकेट काफ़ी अच्छा है बट आपको इंटेंट पॉजिटिव रखना है वही स्किल्स है आपको स्टिल आपको बॉल देखना है वही टाइम करना है वो क्रिकेट सेम है लेकिन प्रेशर होता है वर्ल्ड कप में डेफिनेटली और जब इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं तो डेफिनेटली दोनों प्लेयर दोनों टीमें ऐसे सोचती हैं कि नहीं बड़ा मैच नहीं है हम लोग आराम से खेलेंगे कोई जस्ट नॉर्मल गेम पर नॉर्मल नहीं होता बड़ा फ्लाइज आते हैं आप प्रेशर में रहते हो बट जो प्रेशर ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है मुझे लगता है वही अच्छा मैच खेलता है उस दिन अब कुछ आपसे क्वेश्चन क्रिकेट रिलेटेड भी आप आई जीते हैं कंग्रेचुलेशन मोस्ट टीमें टी में फंसती हैं छः ओवर के बाद छः से लेके बारह तक तो जब आप नंबर चार पे बैटिंग करते हो तो आप जब दो विकटें गिरी होती हैं से छः में अगर आपका चालीस है या पचास अच्छा स्टार्ट हो गया तो आप किस माइंडसेट से जाते हो टीमों को किस माइंडसेट से जाना चाहिए छः से बारह तक आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सात से जो जो वसीम भाई तेरह जो ओवर्स होते हैं उसमें आ, आपको स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ती है वो yeah. जितना आप लेस डॉट बॉल खेलोगे उतना आ, आपका जो नॉन स्ट्राइकर पार्टनर है उस पर प्रेशर कम आएगा वो अगर आप छः बॉल पे सिंगल निकालने की कोशिश करते हो तो इंटेंट पॉजिटिव हो तो चौका छक्का कभी भी आ सकता है वो लेकिन जितना कम डॉट बॉल खेलेंगे तो मुझे लगता है कि बैट्समैन एक अलग ड्राइविंग सीट पर रहता है वो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टीम्स टू लर्न स्पेशली पाकिस्तान uh, uh, की टीम के लिए कि छः ओवर के बाद से बारह ओवर तक कैसे बैटिंग करनी अगर आप देखें छः में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे पर गुजरें तो साठ ही हो सकता है ना सिक्सटी टू सिक्सटी टू दैट्स रियली गुड स्कोर पर उसके बाद वो मोमेंटम को जारी रखना सिक्स ये पाकिस्तान uh, की कमज़ोरी है आई सपोज मिडल ऑर्डर में थोड़ी अब शुयब मलिक और हफीज़ के आने से शायद ये ना हो बट वही जब तक हार से आप डरोगे यहाँ कि मैं अगर हार गया अगर मैं आउट हो गया सो so, वो माइंड सेट आई थिंक टीमों को चेंज करना पड़ेगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान एज वेल सर भाई आ, जो हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं क्रिकेट में एक्सपीरियंस से तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है बट अब जब टी की बात करते हैं आप एक तरफ कहते हैं कि फियरलेस लेकिन कभी कभी जब आप चालीस 40, इकतालीस 40, 40 साल की उम्र में भी खेल रहे हैं तो क्या वो प्लेयर फियरलेस होता है या वो मेच्योरिटी उसकी कमजोरी बन जाती है नहीं यार मुझे और जाना है और जाना है मैं एंड तक जाऊंगा क्या टी अब एंड तक जाने वाली गेम है या टी है आओ करो और जाओ देखिए सबसे पहले ये फेयरलेस जो शब्द है उससे मैं, मैं मैं नहीं मानता हूँ केयरफ्री आप कह सकते फेयरलेस नहीं क्योंकि जब आप फेयरलेस शब्द यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि जो बाकी लोग हैं वो फेयरफुल है ऐसा नहीं होता तो आप ये शब्द इस्तेमाल कीजिए कि केयर फ्री है आपको केयर फ्री बनना है और केयरफ्री और केयरलेस के बीच की जो लाइन होती है वो बड़ी पतली सी लाइन होती है तो उससे आपको संभालना होता है अब क्या हुआ है कि आई की वजह से एक जो प्लेयर्स के लिए इंडिया प्लेयर्स और जो ओवरसीज़ के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक क्वेश्चन बन गई है मतलब कुछ करे या ना करे हमारी एक क्वेश्चन है हमें तो ये फाइनेंशियली हम ठीक है पहले कैसे हुआ करता था आप टेस्ट मैच खेले टेस्ट मैच के बाद में जाकर आपको 9:30 थर्टी टू सिक्स थर्टी कहीं ना कहीं एयर इंडिया में इंडियन रेलवेज़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टाटाज में आपको नौकरी करनी थी वहाँ पे आप जाकर आप बैठे आपकी आपका कमरा हो आपके लिए कुर्सी हो जो भी हो पर वो एक आप आप आपको ध्यान में रखना था उससे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे आज क्या होता है आज आपको आप एक युवा खिलाड़ी आप उसको करोड़ों रुपये देते ठीक है उसका नसीब है उसकी किस्मत है उसमें कोई बात नहीं पर उससे क्या होता है कि वो केयरलेस बन जाता है एक केयर फ्री आईपीएल तो है मेरे पास हाँ तो ये एक जो देखिए ये एक बात होती है ना क्रिकेट में एक हैबिट बनती है जो भी आप करें प्रैक्टिस की जो है, हैबिट है अच्छे प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैच में जाके अच्छी तरह से बल्लेबाजी करेंगे अच्छी गेंदबाजी करेंगे इमरान खान कपिल देव रिचर्ड हार्डली को मैंने नेट में देखा है उन्होंने नेट में कभी नो बॉल नहीं डाला अच्छी प्रैक्टिस की जो नेट में नेट प्रैक्टिस में नो बॉल डालते वो मैच में भी नो बॉल डालेंगे और ख़ास करके अगर आप टी ट्वेंटी की बात करें जो नो बॉल होता है उसके बाद में एक फ्री हिट बनता है वो फ्री हिट एक फ्री हिट गेम को पलट सकता है तो ये जो केयर फ्री केयरलेस है पर उसके मैं केयरलेस क्यों बोलता हूँ कि अगर किसी बंदे ने नो बॉल बिक किया और उसके बाद में उसको मार पड़ी उसको क्या होता है कुछ नहीं होता अगले मैच के लिए उसको कुछ नहीं होता अगर पर पहले क्या हुआ करता था कि वो ड्रॉप होता था तो वो डर था कि मैं ड्रॉप हो जाऊंगा अब वो है नहीं ड्रॉप हुआ तो क्या है मेरे पास आई है hmm. तो ये एक जो है उससे बड़ा फ़र्क आ गया है टेम्परमेंट में और उसे उसे बचकर रहना है जिस बंदे के पास एम्बिशन है उस बंदे को हम किस तरह से देखते हैं नहीं यार हम सब चाहते कि यार उसने अगर पब्लिकली कहा है कि मुझे दस हज़ार रन बनाने उसमें से मैं आपको बोलता हूँ अस्सी प्रतिशत लोग जो होते हैं वो बोलेंगे यार हम देखते कैसे दस हज़ार रन बनाएगा और एवरी टाइम ही फेल्स ये अस्सी प्रतिशत लोग दे आर हैप्पी क्या अपने आप को समझता है मैं दस हज़ार रन बनाऊँगा मैं सौ विकेट ले लूँगा तो ये एक जो ये एक जो चेंज आ गया है। उसी से सब लोग को अफेक्ट होता है और इसी की वजह से अब जो मैच होना है ये जो वर्ल्ड कप होना है उसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे इंडिया के लिए अच्छा करे या ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं आईपीएल है मेरे पास असर भाई ये कमजोरी है क्योंकि आपने जिस दौर में कप्तानी की बानवे छियानवे नाइनटी नाइन इनफैक्ट पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप 92 से शुरू हुआ था सिडनी वाले मैच में uh, तीनों मैच इंडिया जीता हालांकि 99 में हारने के बावजूद पाकिस्तान फाइनल तक गया था तो ये इंडिया पाकिस्तान उस टूर्नामेंट से अलग कैसे होता है मीडिया के लिए होता है हम सब फैंस के लिए होता है हमें लगता है यार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया बस वर्ल्ड कप हो गया लेकिन टीम के लिए कप्तान के लिए खिलाड़ियों के लिए वो एक मैच और बाकी टूर्नामेंट को आप कैसे देखते हैं हमेशा बिल्कुल देखिए इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो लोग अलग तरीके से देखते हैं डेफिनेटली क्योंकि मुझे याद है मैं हम लोग जब मैनचेस्टर में 99 में जब मैच जीते थे पाकिस्तान से तो काफ़ी बोर्ड ऑफिशल अपने ड्रेसिंग रूम में आ गया और कहने लगा अरे पाकिस्तान से मैच जीत गए कोई बात नहीं वर्ल्ड कप हारे तो हारे तो ये एटीट्यूड मेरे ख्याल में बोर्ड का था तो हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होता है कि प्लेयर चाहता है कि हर हर मैच में जीते क्योंकि जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे वो पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते अनफॉर्चुनेटली I mean, हम इंडिया से खेले अवन वर्ल्ड कप में जितने भी मैच खेले मैं खेला तो जब हम लोग जीते तो प्रेशर तो प्लेयर्स के ऊपर होता ही है जैसा कि सनी भाई ने कहा कि बहुत से अभी लाइक जो केयरलेस होता है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यूज़ किया उन्होंने क्योंकि जब आदमी जब उसको पता चलता है कि अगर मैं यहाँ नहीं खेलूँ तो मैं यहाँ तो खेल सकता हूँ तो डेफ़िनेटली वो केयरलेस हो जाता है क्योंकि मुझे आज यहाँ मौका नहीं मिला कल तो यहाँ मौका मिलेगा क्योंकि प्रैक्टिस भी उसमें बहुत कम कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आप मैच में आप कभी भी अच्छा नहीं खेल सकते क्योंकि मुझे सनी भाई शायद एक एग्जांपल दूँगा आपको मेरे ख्याल में याद है या नहीं है मैं हम लोग एक है जब सही बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ से जब सनी भाई मूमन पहले बैटिंग करते थे नेट्स में बहुत कम बैटिंग करते थे नेट्स में ज़्यादा बैटिंग ही नहीं करते थे क्योंकि बीच में ही बैटिंग करते थे तो मुझे शायद आपको याद नहीं होगा सनी भाई एक बार आपके बाद मैं ही सेकेंड बैटिंग करता था प्रैक्टिस में तो मैं पहले तो आजकल तो लोग पूरे बड़े बड़े वो किट बैग उठा के ग्राउंड पर ही लाते ग्राउंड पर ही चेंज करते वहाँ पर पहले तो आप ड्रेसिंग रूम में जाके चेंज करना पड़ता तो कपिल भाजी कैप्टन थे जब मुंबई में हम लोग मैच कर रहे थे तो सनी भाई ने बैटिंग किया तो मैं मेरे ख्याल में वो आठ दस या बारह बॉल खेल के वो बाहर निकल गए तो मैं आने मैं आया था कि बाहर निकल के तो कपिल पाजी ने मुझे थोड़ा सा डांट दिया था क्योंकि मुझे याद है क्या तुम इतनी देर लगा रहे बैटिंग करने बोला सर मैं बोला कपिल भाई सनी भाई ने दस बारह बॉल भी नहीं खेला मैं आए तक तो बट मैंने बाद में सनी भाई से मैं काफ़ी फ्री था अभी अभी भी फ्री हूँ तो सनी भाई से मैं ज़रूरत करके उनसे जाके पुजला सनी भाई आप खाली दस बारह ही बॉल खेले और कपिल भाजी मेरे मुझे बहुत गुस्से में आ गए आप बोलते हो आप क्यों वहाँ बारह बॉल खेल के नहीं तो सनी भाई का आंसर ये था कि मैं जितने भी बॉल खेला वो मिडिल में खेला तो अब तुम क्या चाहोगे कि मैं ऐसे खेलूँ बैटिंग नेट्स में तो <laughs> ये एग्जाम्पल बिल्कुल आपको याद नहीं होगा सनी भाई बिल्कुल ये सही बात है तो जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती जब आप बड़े बैट्समैन जब भी होते तब आप मैच निकाल के ले जाते हैं तो मैं मुझे याद है जब सचिन और सौरभ बैटिंग करते थे तो अपने हमला एक वन सेवेंटी वन नाइन्टी रन रहा तो हम खाली बैठ के बैट पैट पहन के खाली थालियाँ मारते थे बैटिंग अगर मुश्किल से आई तो, वो खाँग तो खाँग चार क्या चार रन पाँच रन के टाइम बैटिंग आती थी तो ये बड़े प्लेस की निशानी है तो मैं समझता हूँ कि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ा मुश्किल से जा जारी बट लेकिन जहाँ तक के मैं सोचता हूँ कि क्योंकि पीसीबी के बारे में जैसा शोएब ने कह रहे थे कि प्रोफेशनल होना चाहिए ठीक बिल्कुल ज़रूर प्रोफेशनल है। अगर कहीं पे भी अगर इनको प्रॉब्लम हो रही तो इमरान खान साहब आपके प्राइम मिनिस्टर है तो मैं समझता हूँ कि उनको भी इंटर होना इंटरव्यू होना चाहिए क्योंकि वो खुद बड़े खिलाड़ी रह चुके बड़े कैप्टन रह चुके हैं तो मैं समझ जहाँ अगर वो इंटर होंगे शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट इम्प्रूव होने का बहुत ज़्यादा शो भाई कहना आसान हो जाता है इंडिया में बैठ के कि जी हम सारे वर्ल्ड कप के मैच जीतते हैं और प्रेशर हम प्लेयरों पे डालते हैं सुरेश यादव तो उस ड्रेसिंग रूम से आए हैं पाकिस्तान में भी बड़ा आसान हो जाता है ये कह देना आ रहे हम हरा देंगे लेकिन आप हकीकत में देखें यह सिर्फ एक लॉटरी ही तो नहीं होगी कुछ तो उसके पीछे जाता होगा और पता नहीं दो में जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था और मुझे याद है मैं तो खुद लंडन में था और काफ़ी ज़्यादा तनकीद मेरी भी हुई थी वहाँ पर मैंने भी बड़ा सामना किया बिकॉज वी वर ओवर कॉन्फिडेंट एज मीडिया कि जीतेंगे जीतेंगे एंड हार गए लेकिन मुझे यह भी लगता है कि पाकिस्तान ने उस चैंपियंस ट्रॉफी की जीत को इतना सेलिब्रेट कर लिया उसके बाद फिर वो मुकाबला नहीं कर पाए अच्छा पहली बात तो ये अ, सनी भाई आपके इजाजत से अदबन गुजारिश कर रहा हूं सनी भाई का जो पॉइंट था केयरलेस होने का ये केयरलेस क्रिकेट को किया किसने किसने किया आईसीसी ने कैसे क्यों टी क्रिकेट को इतना तुमने प्रमोट किया कि असल क्रिकेट भूल गए पहली बात तो ये आप क्यों इतना पैसा इंजेक्ट कर दिया कि मुझे तो ये डर लगता है कि कभी मेरे ख्याल में आज से चार पांच साल बाद तो ये हर तरफ लीग होगी और सिर्फ दो वर्ल्ड कप हुआ करेंगे जैसे फुटबॉल में होता है। ये ऐसा मुझे क्यों 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 लग रहा रहा है है कि होने जा है? क्यों ऐसे आपने टेस्ट को प्रमोट नहीं किया आपने टेस्ट

भाई आप आईपीएल कराओ आप लीग्स कराओ दस नहीं बारह लीग्स कराओ लेकिन फोकस ये रखो यार कि हमने टेस्ट क्रिकेट को बचाना था फोकस ये रखना था हमें रणजी ट्रॉफी को बचाना था आपने तो चलो आपके आपके सिस्टम में पैसा है तो आपने तो रणजी ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज कर लिया नहीं, पैसे के साथ साथ एक बात सुन ले। सोच ले। सोच वही विजन विजन की बात करो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस डगर पे चल पड़ा है कि जहां पे टेस्ट क्रिकेट तो बिल्कुल ही बोल गए हम हम क्या सातवें नंबर पर टेस्ट मैच में क्या आप ये एक्सपेक्ट थे पाकिस्तान बैकिंग 99 में सातवें नंबर की टेस्ट नहीं की हो या आपको कोई ना कोई टीम होगी? हाँ। हो। नहीं, 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 नहीं बेशक भले बाहर न जीते लेकिन जीतती थी लेकिन अजू भाई गुप्तानी पाकिस्तान भी आके जीते यहां जीते देखो विक्रांत बात समझने की कोशिश करो जब आप क्रिकेट को कमर्शलाइज कमर्शलाइज करोगे तो एंड रिजल्ट यही निकलेगा फॉल बैक्स क्या होंगे कि आपके लड़के आपके लिए क्वेश्चन ढूंढेंगे क्वेश्चन अगर वो सनी भाई कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि अगर वो यहां से फ्लॉप तो आई पी एल के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो है उसके पास दस लेकिन मेरे मुझे लगता है सनी भाई का ये भी मतलब है कि शायद आईपीएल होना मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आज आपके पास जिम्मेदारी है आज गोरे के पास जिम्मेदारी नहीं क्रिकेट बचाने की आज आपके पास है लेकिन हम तो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना मेरी बात तो सुन लें आप को मुद्दा सर इजाम जा, ले भी लें आज हाफ क्रिकेट रन कर रहे हो पूरी दुनिया की ठीक है में नहीं कहता हूं, मैं कह रहा आज टेस्ट क्रिकेट को इंडिया ने बचाना है हम नहीं बचा सकते आप बचा सकते हो ये ये वॉइस हैं जो बचा सकती हैं जिन्होंने दस हजार रन किए हैं ये ग्रेट्स हैं वसीम भाई ग्रेट्स हैं ये वॉइस करेंगे अपनी ओपिनियन खेलो यार सौ करोड़ रुपया कमाए बच्चा हमारा यार मुझे खुशी है इस चीज की किसको कोई खुशी नहीं होगी यार सुरेश पैसे ना कमाए नहीं जरूर कमाए लेकिन पहली प्रायोरिटी प्रायरिटी थी कि हमें अपना आईसीसी को अपना ब्रांड बचाना टेस्ट क्रिकेट अब नाउ कमिंग बैक टू योर टॉपिक पाकिस्तान का जैसे स्पिनर्स को हमारे मिडल ऑर्डर तगड़ा नहीं था वनडरबल था तो शोएब मलिक का मैं इसलिए जोर लगा रहा था बार बार किसको रखो और फीस को रखो राना बॉल खेलते हैं स्पिनर्स यहीं से सात ओवर से ठीक कह रहा है सात से तेरह ओवर में रना बॉल खेलना पड़ता है पाकिस्तान की सबसे बद पत कमजोरी बता क्या पाकिस्तान सबसे ज्यादा हाइस्ट नंबर ऑफ डॉट बॉल खेलता है तो उसको काउंटर करने के लिए हमें ये दो मिडल ऑर्डर के रखने पड़े मैं अभी भी ये कहता हूं कि रिजवान और फखर ओपन ओपनर ओपनिंग स्टैंड में जाए बाबर नीचे आए तो स्ट्रेंथन करेगा सो आई थिंक दर इज दर इज अज पॉसिबिलिटी दैट यू नो पाकिस्तान हैज ऑल द चांस टू टर्न इट ऑल अराउंड बिकॉज दर इज अ

वो उनका एक मैसेज होता था मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर शर्जील ओपन के लिए जा रहा है उसे कह रहा है खुल के खेलना है मगर एंड तक खेलना है सो so तो मतलब नहीं होती ना। मतलब डरा दिया उसको कि खुल के खेलना और एंड तक खेलना है इसे मतलब मारना भी है और नहीं भी मारना सो so शरजील जैसा प्लेयर या फ़खर जैसा प्लेयर उनको सिर्फ ये कह रहे छः ओवरों में प्ले योर ओन गेम जस्ट प्ले योर ओन गेम फॉर ट्वेंटी ओवर्स सी एज यू सी एज यू हिट यू you नो know, उनको ये कि अगर छः के बाद फिर सिंगल करो वो नहीं एस ए प्लेयर सो so इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इनको दलेरी से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी हार जीत गेम का हिस्सा है हम पाकिस्तानी हों या इंडियन हो हमारा हार जीत से फ़र्क तो पड़ता है मगर फाइट अगर अच्छी की है अगर आप हार भी जाते हो तो लोग इतना आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करते प्रेशर ज़्यादा किस पे होगा इंडिया पे इसलिए क्योंकि इतना हाइप है एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज इज एक्सपेक्टिंग इंडिया जीतेगा ही जीतेगा पाकिस्तान पे नहीं है दोनों प्रेशर हो है। प्रेश पे प्रेशर होगा इंडिया फेवरेट है ऑब्वियसली बट प्रेशर दोनों टीमों हो पे होता है हम खेले हैं बड़े इंडिया से मैचेस बहुत मैचेस खेलने हैं। दोनों टीमें कभी एक वीक थी कभी एक स्ट्रांग होती थी पर प्रेशर हर मैच पे इंडिया से उतना ही होता था जितना कि यू नो किसी भी मैच में जैसे अक्सर चौबीस तारीख को होगा सर वही पॉपुलेशन इंडिया का ज्यादा है तो इंडिया पर ही ज्यादा प्रेशर होगा नहीं वो तो रमीज राजा साहब ने कहा है कि 90 पैसा भी आईसी इंडिया से जाता है और कहते हैं आई का अच्छा करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है लेकिन सर मैं कमिंग टू तो दिस गेम अगेन हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता हम भी कह देते हैं जीतेंगे ही जीतेंगे पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम विल कम आउट हमारे पास मुसीबतें हैं बट विल कम आउट क्या पाकिस्तान डेंजरस है इस टी में हाँ बिल्कुल बेशक क्योंकि उनके पास खिलाड़ी ऐसे हैं और ये भी आप ध्यान में रखिए कि पी भी यहाँ पे हुआ है इस साल नहीं इस साल नहीं शायद पर इसके पहले यहाँ यही पे काफ़ी मैचेस खेले हैं तो इन पिचेस का उनको उनके पास अनुभव है वो जानते हैं कि किस तरह से पिचेस बिहेव करेगी तो जो भी टीम भारत की टीम अगर पाकिस्तान को लाइटली लेगी तो पछताएगी क्योंकि पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं हम बाबर की बात कर रहे हैं पर कभी कभी होता है ऐसा कि ये एक मैच होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिसमें नाम वाले प्लेयर ज़्यादा रन नहीं बनाते नाम वाले प्लेयर ज़्यादा विकटें नहीं लेते एक दूसरा कोई आके अपने लिए नाम बना के जाता है तो उस पर हमें ध्यान रखना होगा सुरेश चूंकि आप अभी एम एस धोनी के साथ बहुत थे और माही मैंटोर भी हैं वो कहते हैं ना मिडास टच अब उनके पास है जिस तरह आई में हुआ एक एक तरह से मैंटॉर की शायद जिम्मेदारी ज़्यादा है आप ये भी कह सकते पावर शायद इतनी ज़्यादा नहीं होगी लेकिन वॉट डज ही ब्रिंग टू द टेबल क्योंकि आपकी जरूर बात हुई होगी इंडिया के लिहाज से इंडिया के पास क्या है इंडिया की ताकत क्या है इंडिया इस वर्ल्ड कप में क्या कर सकता है और किसके जरिए कर सकता है आई थिंक उनके आने से डेफिनेटली विराट का जो जो वर्क लोड है वो काफ़ी कम होगा और मुझे ऐसा लगता है कि वो फोकस ज़्यादा अपना बैटिंग पे करेंगे वो एज ए कैप्टन आसान नहीं होता किसी के भी लिए जब आपको सारा कुछ मैनेज करना होता है और लास्ट दो साल आई थिंक इट्स इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी वन पेंडेमिक था प्लेस बबल टू बबल जा रहे हैं तो आई थिंक छः महीने से इंडियन टीम दे बिन ट्रैवलिंग लाइक एनी थिंग्स तो आई थिंक उनके आने से मुझे लगता है कि उनको आई ट्रॉफ़ी जीतने का काफ़ी अनुभव है और उसके बाद आई में इतना काफ़ी जीते हैं चैम्पियंस लीग जीते हैं बट आई थिंक वो रहेंगे तो प्लेयर को लगा है कि उनके साथ वो भी रिसेंटली खेल के आए हैं वो चाहे वो कोई भी आई uh, सी ट्रॉफ़ीज़ हो और कोई भी तो डेफिनेट जैसे सही भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम पाकिस्तान को लाइटली नहीं ले सकते कि धोनी भाई वहाँ पे रहेंगे तो डेफिनेटली नहीं लेंगे उनको क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बड़े मैच के लिए आपको प्लानिंग के साथ साथ थोड़ा सा माइंड को भी ट्यूनिंग करना पड़ता है वो निकल जाके देख लेंगे जो होगा ऐसे नहीं होता आपको किसी बॉलर को टारगेट करना होता है टोनी टोनी गेम में और बहुत अच्छा बोला क्योंकि पी में काफ़ी जो आई के बाद जो सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक वो पी में हुआ है वो तो पाकिस्तान को भी काफ़ी आइडिया है यहाँ पे दुबई की पिचेस और डेफिनेटली वो लोग भी काफ़ी मैचेस देख रहे होंगे टीवी पे बट आई थिंक स्टिल इंडिया पाकिस्तान इज बोथ टीम आर वेरी वेरी गुड और मुझे लगता है कि काफ़ी एक्साइटिंग मैच है एक एक्स फैक्टर क्या होगा अगर हो तो आई थिंक डेफिनेटली जैसे वसीम मैंने बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा ड्यू अभी गिर रहा है और मुझे लगता है कल बहुत ज़्यादा ड्यू था क्योंकि डेफिनेटली टॉस काफ़ी वाइटल होगा बट स्टिल आपको चालीस ओवर अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा और मुझे लगता है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और जाके आपको दिखाना पड़ेगा कोई भी हीरो बन सकता है और ये सब मैचेस मुझे लगता है यंगस्टर के लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि मुझे हीरो बनना है मुझे अपने देश को जिताना है तो कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर आता है कि नहीं यार आज मैं अपने देश को जिताऊँगा तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कोई ना कोई नया हीरो बनेगा इस मैच सर भाई विराट की खुद की फॉर्म इज़ दैट अ वरी बिकॉज अचानक से और ये होता भी है 2016 के विराट कोहली और 2021 के विराट कोहली में वो गेम में वो चीज़ दिख रही है कि स्टार्ट के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा अच्छा एक व्यू है कि वो ओपन ही कर लें क्योंकि वो ओपन करना चाहते हैं दूसरा व्यू है कि नहीं यार जो वसीम भाई कह रहे थे कि खुल के खेलना भी है पर एंड तक खेलना भी है ये वरी है आपको विराट का फॉर्म जी नहीं अगर ये टेस्ट मैच होती तो शायद वरी होती पर ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट में तो सिर्फ बीसी बीसी ओवर होते हैं तो मुझे उसमें कोई वरी है नहीं क्योंकि भारतीय टीम के पास बड़े अच्छे बल्लेबाज है एक राहुल बड़े अच्छे फॉर्म में है रोहित शर्मा ने रन नहीं बनाए पर रोहित भी जब इंडिया के लिए खेलते तो एक अलग सा अंदाज़ लेके आते तो विराट पर यह जिम्मेवार होगी कि नंबर तीन पर अगर आए तो वो जैसा हम कहते हैं ना कि आखिर तक खेले मतलब मैच फिनिश करें इनिंग्स फिनिश करे पारी फिनिश करे और अगर उन्होंने वैसा किया और कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी करके दिखाया तो मुझे मुझे उनके फॉर्म के बारे में वरी नहीं देखिए हमेशा एक बात होती है कि हम काफ़ी बार कहते रहते हैं ना कि फॉर्म इज़ टेम्प्ररी क्लास इज़ परमानेंट और कोहली के साथ वही है कि उनका फॉर्म अभी जो है वो टेम्प्ररी है पर उनका क्लास जो है वो परमानेंट है हार्दिक पांड्या की इंजरी जो बातें आती हैं सेलेक्टर्स ने श्रीलंका में कहा बॉल डालेंगे फिर उन्होंने कहा वर्ल्ड कप में बॉल डालेंगे फिर अब कहते पता नहीं इज़ दैट अ वरी अगेन बिकॉज आपका बैलेंस खराब होता है कि आप, आपको खिलाना है तो एज बैट्समैन खिलाना पड़ेगा आपके पास अगर आप उनको एक्स्ट्रा खिलाते हो आपके बॉलर नहीं है पीछे वरी तो होगी हो नहीं क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि वो बहुत कम गेंदबाजी करेंगे शायद करेंगे तो एक आधी ओवर करेंगे दो ओवर करेंगे पर आप अगर ये सोचते हैं कि वो चार ओवर करेंगे वो तो नहीं होना है तो अगर आप इस नॉलेज से आप अगर मैदान में उतरने वाले कि ये बल्लेबाजी करेंगे बोलिंग नहीं करेंगे अच्छे फील्डर है बाउंड्री लाइन पर अच्छी कैचेस पकड़ते हैं बहुत अच्छी तरह से फील्डिंग करते हैं बहुत रन बचाएंगे आपके लिए तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हाँ ज़रूरत पड़ी तो शायद एक आधी ओवर कर सकते ये एक ऑप्शन बनेगा ये आपके लिए हार्दिक पांड्या आपके पाँचवें बॉलर नहीं होंगे वह वो, वो आपके नंबर सिक्स बॉलर या नंबर सेवन बॉलर होंगे नंबर सेवन में फिर आपका एक बैट्समैन कम हो जाएगा नहीं नंबर सेवन में पाँच ग्यारह नहीं मिलता मैं मैं पाँच पाँच बॉलर और छः और सात की बात कर रहा हूँ वो तो टीम मैनेजमेंट को भी देखना होगा कि किस तरह से उनको फिट करना है शोब पाकिस्तान के लिहाज से जी सर इंडिया की सबसे बड़ी पाकिस्तान को दिक्कत क्या होगी वरी क्या होगी ओपनर्स रोहित शर्मा रोहित एंड राहुल रोहित एंड राहुल और देखिए अभी जिम्मेदारी है कोहली पे। कोहली का एम्बिशंस है कि वो वर्ल्ड कप अच्छे नोट पे छोड़ आए जीत के जाए प्रेशर कोहली पे बहुत होगा और उनको प्रेशर लेना नहीं चाहिए अनवॉन्टिडली लेना भी चाहिए और ना भी लें देखें फॉर्म उनकी लगी नहीं हुई कुप्तानी उन्होंने छोड़ दी है वर्ल्ड कप पे अच्छे नोट पे छोड़ के जाना चाहते हैं और मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं ऐसा ही होना चाहिए उनका एंडिंग जैसी वो चाहते हैं लेकिन देखें रोहित शर्मा मैं पहले भी इनको दो में उनसे मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा यार तेरे जैसा क्रिकेटर बहुत कम टाइमिंग वाला याद है आपको तो मैंने कहा यार अपनी एबिलिटी को समझ भाई और क्यों तो सुपरस्टार नहीं है और वो फाइनली ही रियलाइज द फैक्ट दैट यू नो ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट और जो टाइमिंग उसके पास है जब बल्ला क्लोज वो लेके आता है जो छोड़ने की ताकत उसमें है जो हिटिंग पावर है जो टाइमिंग है मैं उसको हमेशा कहता हूँ वो इंडिया का इंजमाम है और बहुत अच्छा प्लेयर है वो टारगेट जब सेट करता है ना आपका जब वो टारगेट सेट करता है तो नीचे आसानी हो जाती है जी अगर आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ अगर आप मिडिल ऑर्डर आपका एक्सपोज हुआ पाकिस्तान बॉलिंग हसन अली बहुत तगड़ा फास्ट बॉलर है बाई हुए तो शाह आफरीदी आपको तगड़े बॉलिंग करेगा वो आपको एक्सपोज करेगा वो ये रन रोकने नहीं जाएंगे मैं आपको भी बता रहा हूँ वो आपका बाउंसर भी करेंगे आपको टेस्ट भी करेंगे वो विकेट लेने जाएंगे वो ये इस चक्रों में रहेंगे नहीं क्योंकि बिकॉज माइंड सेट ये है पाकिस्तान बॉलिंग का कि विकेट लें विकेट लेने जब जाएंगे तो तब आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है जब आपके चैंपियंस ट्रॉफी में जब आपकी बैटिंग एक्सपोज हुई थी तो उसमें ऑर्डर एक्सपोज वन गेम जी सर एक ही गेम होती है चौबीस तारीख को देख गई मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान उस जीत से निकल के नहीं आ पाया यार उसके मौरक़त है ना मोरकत ये हैं कि हमने मैनेजमेंट चेंज कर दी हमने कोच हटा दिया हमने कप्तान हटा दिया हम उठा के पूरा सिस्टम लपेट के हम दूसरा सिस्टम ले आते हैं यहाँ पर लोगों की ख्वाहिशात पर टीम चलती है ना यार दूर का विजन को नहीं रखता कि यार पाकिस्तान का भला इससे होगा चलो अपनी जाती अना को छोड़ देते हैं ज़ाती रंजिशों को छोड़ देते हैं यार इसको खिला लेते हैं अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी हमारी और अब रीबिल्डिंग के प्रोसेस में आगे दोबारा फिर एक तो मैं रीबिल्डिंग के प्रोसेस से बड़ा तंग हूँ पिछले 20 साल से मैं रीबिल्डिंग का प्रोसेस सुन रहा हूँ सनी भाई आप भी सुन रहे होंगे रीबिल्डिंग भी खत्म हो के दे रही फिर इनशाला वी कम बैक स्ट्रॉन्ग यार यू पेड टू प्ले वेल वन यू आउट देर यू प्लेड टू प्ले वेल वेरी सिंपल एज मुझे पहली दफ़ा लगा कि पाकिस्तान टीम डिमोरलाइज हुई बहुत दुख हुआ हमें जब न्यूजीलैंड छोड़ के गया हमें बहुत तकलीफ हुई बहुत डिमोलाइज हुआ एज ए नेशन हम बहुत डिमोरलाइज हुआ बहुत गुस्सा भी इस चीज़ का और और राइट मैनर पे हमें निकालना भी चाहिए वो ग्राउंड पे है मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम विल गो फॉर अटैक एंड दे हैव नो ऑप्शन बट टू और ब्लेजिंग हमें करना पड़ेगा अच्छा भाई आ, कहना बड़ा आसान होता है कि पाकिस्तान अटैक करेगा शायद उनके पास वो प्लेयर भी नहीं है वसीम अक्रम नहीं है शोयब अख्तर नहीं है इमरान खान नहीं है या इंजमाम नहीं है क्योंकि समहा और दी अदर एक चैंपियंस ट्रॉफी का वो मैच निकाल दें फाइनल जहां पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग सौ ओवर खेले हैं बिल्कुल वो मैदान में समहा जब भी इंडिया के सामने आए हैं वो अटैकिंग नहीं वो दो कदम पीछे ही दिखे देखिए मैच अगर आपको जीतना है तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे जैसे बॉलरस होते अगर आप ये टी में अगर आप बचने के लिए अगर बॉलिंग करेंगे तो आप कभी बच नहीं सकते क्योंकि ये टी ट्वेंटी गेम है और बैट्समैन ऑलवेज लुकआउट फॉर रन रहता है रन बनाने की उसमें रहता तो अगर आप देखेंगे पीछे भी जितने भी बड़े बड़े बॉलर हो चुके हैं अभी नहीं अभी नहीं इस जनरेशन के उससे पहले भी वो विकेट लेने के लिए ही जाते जब आप जैसे विकेट लेते जाएंगे जितना विकेट लेते जाएंगे उतना प्रेशर होगा बैट्समैन पर और लंबा स्कोर भी नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए पाकिस्तान की टीम आई मीन I mean, मैं हूँ काफ़ी इनएक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से क्योंकि तीन चार प्लेयर्स है क्योंकि तीन चार प्लेयर्स होते हैं तो उससे मैच जीतना बड़ा मुश्किल होता है अगर कहीं वो नहीं खेलते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि बैट बैटिंग के बारे में कह रहे थे कि फ़खर जमान है और है तो मैं सोचता हूँ कि जो अगर पाकिस्तान को जीतना है तो उनके पहले चार या पांच जो अच्छे बल्लेबाज हैं उनको ही ट्वेंटी ओवर्स खेलना चाहिए अगर आप नीचे से ऊपर किसी को करेंगे ऊपर से नीचे करेंगे तो वहाँ पर बहुत मुश्किल होगा जहाँ तक मैं सोचता हूँ अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे इंडियन टीम काफ़ी आगे है काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है और हर प्लेयर एक्सपीरियंस है और अच्छे फॉर्म में तो पाकिस्तान को इंडिया को अगर हराना है तो जैसा आपने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कहीं दर्ज है और अच्छा खेलना पड़ेगा क्योंकि ये टी ट्वेंटी गेम है बिल्कुल शॉर्ट गेम है देखे देखे तक गेम खत्म हो जाती है उसी में ये दिक्कत है माजी में जीना क्योंकि नाइन्टीज़ में पाकिस्तान ऐसा था एटीज़ में पाकिस्तान ऐसा था अब पाकिस्तान वैसा नहीं है लेकिन क्या वो लोग समझते हैं नहीं लोग अब मूव ऑन हो गए हैं वो समझते हैं कि नाइन्टीज में हम नहीं रह सकते अ पास्ट अब प्रेजेंट पे रह रहे हैं और आई थिंक ये टीम अब ठीक हो रही है पाकिस्तान की बाबर के अंडर अभी ये नया चेयरमैन आया है, तो थोड़ा यू नो you know, जैसे शोएब ने कहा काफ़ी चीजें बदली हैं स्ट्रेट अवे एकदम ही कोच भी गया दूसरा कोच भी गया नॉट इट्स इट्स और फिर आपकी टीम भी चेंज हुई यू uh, नो you know, तीन लड़के चेंज किए आपने अब यहाँ तो इसका मतलब कि पहले आपको निरा पता टीम क्या अनाउंस की है जब की है तो फिर तीन लड़के भी चेंज किए उससे भी थोड़ा डिमोरलाइज hmm. लड़के हुए होंगे बट आई थिंक यू हैव टू मूव ऑन क्विकली पास में रहना या जो करना हो गया जो हो गया, जो हो गया अब आपने फोकस करना क्या और जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को मेरे ख्याल में प्रॉब्लम अगर थोड़ी सी होगी अगर आपका जो यंग ऑफ स्पिनर है वरुण उसको पाकिस्तान ने देखा नहीं होगा आई आई होप कि जो उनका

आपके लिए इतना बड़ा मैच विनर हो सकता है क्योंकि जैसे आप आई से वर्ल्ड कप में जाते हो उस खिलाड़ी को गेंद फेंकना तो ठीक है लेकिन सोचना वो टेम्परामेंट उसका भी तो इम्तिहान है नहीं बिल्कुल आई थिंक बट आप देखेंगे फर्स्ट हाफ जब आई हुआ तो के बिल्कुल नीचे थी वो और उसके बावजूद रहने के बाद वो लोग कल फाइनल खेले हैं वो तो डेफिनेटली उसकी जो इंपॉर्टेंस है इंडियन टीम ने समझी है वो और डेफिनेटली वो मिस्ट्री स्पिनर हैं लेकिन वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और लास्ट में भी डाल सकते हैं क्योंकि ये स्पिनर फ्रेंडली विकेट रहेंगे तो किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं है क्योंकि अगर आप ज़्यादा डॉट बॉल खेलेंगे दो या तीन बॉल तो आपको बड़ा शॉट मारना पड़ेगा लेकिन मुझे लगता है कि जड़े जाओ उसे अच्छा करेंगे या जैसे भी लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होगा अश्विन खेलते हैं या वरुण खेलते हैं बट वरुण इज़ ए मुझे लगता है वो वेपन रहेगा वो इन, इंडियन टीम के लिए और जैसे वसीम भाई ने बोला उनका वीडियो जरूर उनको देखना चाहिए अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है सही बात है लेकिन एक एम एस को सनी भाई इवन एम इज़ नॉट बीन टू पिक हिम आप तो सिर्फ वीडियो देख देख के आप कितना वीडियो देख के पिक कर लेंगे इतनी जल्दी कितना कर लेंगे आ, ये तो बात है कि आप क्या देखते हैं वीडियो आप देखेंगे तो शायद ये भी देखना होगा कि क्या वो दूसरी गेंद करता है मतलब लेग लेग स्पिन जैसी गेंद करता है तो उसके लिए क्या उसकी रनअप अलग है सिर्फ हाथों के ऊपर तो देखना होता है पर कभी कभी होता है कि आप बोलर सब का सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ करता है जिससे आपको पता चलता है कि गेंद डालने के पहले कि उसके मन में ये गेंद डालने की वो वो संभावना है कादिर बहुत बढ़िया गुगली करते थे पर जब भी वो गुगली डा दा, डालने के बारे में सोचते थे कि आप पे होते हैं तो रनअप शुरू करने के पहले वो अपना बाया हाथ ऐसा कुछ करते थे उसे आपको पता चलता था कि हाँ ये गुगली है और गुगली होती थी हंड्रेड परसेंट ऐसा नहीं कि वो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो गोगली नहीं डालते पर जब वो ऐसा करके बॉलिंग करने आते थे रनअप करते थे तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी और वो हमेशा वीडियो में दिखाई नहीं देती क्योंकि वीडियो में आप क्या कंसंट्रेट करेंगे आप उनके उंगलियों पर कंसंट्रेट करेंगे क्या वो ऐसा कर रहे क्या वो ऐसा करे क्या वो ऐसा कर रहे उसी भाई ऑफ द इंडिया पाकिस्तान थिंग आखिरी सवाल इंडिया पाकिस्तान छोड़ दीजिए सिर्फ इंडिया की बात कीजिए क्या ये टीम वर्ल्ड चैम्पियन टीम है और अगर कोई थ्रेट है सबसे बड़ा वो क्या है देखिए एक टीम तो थ्रेट हो नहीं सकती आपने सारी टीमों से ऑलमोस्ट आपने ग्रुप में पहले खेलना है फिर उसके बाद नॉकआउट्स में आना है बट यस लाइक मैंने हम मैंने चार अपने फेवर आपको बताए थे जी जो मेरे ख्याल में जीत सकते हैं उसमें इंडिया नंबर वन आता है उसके बाद वेस्ट इंडीज़ जो कि बड़ी डेंजरस साइड है बिल्कुल घबराते नहीं हैं वो चाहे छः में उनके चार भी आउट हो वो मारी जाएंगे

ये चारों टीमें के चांसेस हैं वर्ल्ड कप जीतने का चलिए जो भी है जी चौबीस तारीख का इंतजार इतनी देर से चल ही रहा था और इंतज़ार भी खत्म हो गया लेकिन ना, सलाम क्रिकेट में इसके बाद वो तो कहते हैं ना गाला सेशन है जिसमें हर कोई आपको स्टेज पर और आप भी अपने सवाल पूछे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का